हरियाणा में किसी एक चीज की बढ़ोतरी हुई है तो दारू। दूध घटा है, दारू बढ़ी है। हर गांव में जाइए, बच्चे दारू पी रहे हैं। दिन के टाइम दारू पी के लोग डुन रहे, परिवार टूट रहे हैं, औरतें परेशान हैं और पार्टियां चुप। कोई पार्टी बोलती नहीं इस सवाल के ऊपर। कहीं ना कहीं ठेके का पैसा, कहीं ना कहीं डिस्टिलरी का पैसा पार्टियों के पास जा रहा है। पहले बंद होगी तो शांति थी, हर घर में शांति थी। जब शराब पी के घर आ जाए तो बालक भी परेशान हुए, औरत भी परेशान हुए। तनख्वाह जो आधी या पूरी शराब में बर्बाद कर दे। खोज में पैसा ना हो तो कुछ घर में तो चीज बेच के भी दारू पीवे। हम बहुत परेशान है। सबसे ये शरीर को भी नुकसान देती है ना, तो सबसे पहले तो इंसान को अपने शरीर के बारे में सोचना चाहिए। एक वाइफ तो अपने हस्बैंड के बारे में यही सोचे कि भाई दारू बंद हो जाए, इसके हमारे छोटे बच्चे होते हैं, इनको पिता की जरूरत होती है। दारू तो छूटनी चाहिए, महिला तो सब राजी है कि दारू छूटनी चाहिए। आम आदमी पार्टी कह रही है, खुल के कह रही है, इस दारू पे नियंत्रण करने की जरूरत है और इसकी चाबी होनी चाहिए औरतों के हाथ। औरतें तय करें कि उस गांव के नजदीक ठेका खुलना चाहिए या बंद होना चाहिए। दारू का ठेका खोलेगा तो महिला की परमिशन लेनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने कहा है कि अगर लेडीज वोट करेगी तो ही उनके गांव में ठेका होगा, अदरवाइज ठेका नहीं होगा। अब जागो तो सब जागो, अब जागो तो सब जागो।